आज का सब्जेक्ट हमने चूज किया वास्तु से रिलेटेड वास्तु के अंदर यू कैन कॉल इट एडवांस वास्तु यू कैन कॉल इट अष्टक वर्ग वास्तु वास्तु बट वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टू दिस वास्तु इट्स नॉट लिमिटेड टू दी अस्टक वर्ग नेम इट इज एन अष्टक वर्ग इट्स नॉट लिमिटेड टू मोहूर्त यस बाय नेम इट इज मुहूर्त वी आर गोइंग टू कवर इन दिस मंदिर वास्तु कलश वास्तु वी विल शो यू दी लिस्ट ऑफ दी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर कांकनी विचार कांकनी विचार के साथ वास्तु कैसे करना है सॉइल ट्रीटमेंट सॉइल सिलेक्शन दृक पंचांग सिलेक्शन ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट हर प्रकार के प्लॉट विधि शूल मेडिकल वास्तु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस मेडिकल वास्तु एंडु uh, न्यूब्रो वास्तु नंबर से वास्तु इज गोइंग टू कवर इट पैंतालीस देवता की कनेक्टिविटी विद नक्षत्र उनके साथ कनेक्टिविटी uh, विद

थ्रू शनि केतु भी कंसिडर थ्रू मंगल हर प्लैनेट को कुछ अंक प्राप्त होते हैं या रेखा से दो तरीके से बोला जाता है बिंदु और या रेखा से हम अंक प्राप्त करते हैं हर प्लैनेट के अंक होते हैं जैसे सूर्य के अड़तालीस अंक होते हैं चंद्रमा के फोर्टी नाइन मंगल के थर्टी नाइन के फिफ्टी गुरु के फिफ्टी शुक्र फिफ्टी एंड शनि थर्टी अंक होते हैं द सब टोटल ऑफ ऑल अंक इज इक्वल टू विदाउट लगन इज इक्वल टू थ्री थ्री सेवन लगन के फोर्टी नाइन अंक होते हैं लगन को भी जोड़ लेते हो सिक्स इसके टोटल अंक होते हैं ये अंक कैसे हैं क्या करना है इनका कैसे निकालना है इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज जब हम आगे बढ़ेंगे अष्टक वर्ग की डिटेलिंग करेंगे सो दिस इज अ जस्ट अ जिस्ट ऑफ इट एक्चुअली तो जब हम डिटेलिंग पे करेंगे काम वी विल गेट इन टू इट ऑल दिस किसी का हमने बर्थ चार्ट बनाया बर्थ चार्ट की डिटेल डाली तो हमारे पास प्लास्टा आएगा बिनाष्टक आएगा सर्वाष्टक आएगा ठीक एंड देन समुदाय अष्टक वर्ग आएगा समुदाय अष्टक वर्ग पे आज हम काम करेंगे समुदाय अष्टक वर्ग को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट इज लाइट एवरीबडी चार्ज इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज हर एक की कुंडली अपनी एक इंडिपेंडेंट कुंडली होती है जिसका हर व्यक्ति अपना कुंडली को अपने डिजाइन लेके आता है और उस डिजाइन के अनुसार उसका अष्टक वर्ग डिजाइन होता है कुंडली के अंदर और जब कुंडली का उसका हर व्यक्ति का अपना अष्टक वर्ग है तो उसका हर व्यक्ति का अपना ही अष्टक वर्ग के माध्यम से वास्तु भी उसका अपना ही है एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हर व्यक्ति का अपना ही वास्तु है तो उसका इंडिविजुअल वास्तु यानी कि पर्सनलाइज वास्तु एंड अस्ट वर्ग का हेल्प ब्यूटिफुली इन लर्निंग दी पर्सनलाइज वास्तु क्योंकि एक जनरल वास्तु होती है जब हम पैतालीस देवता की स्टडी करते हैं जब हम मॉडर्न वास्तु कहते हैं या महावास्तु कहते हैं ये सब जब हम चीजें कहते हैं ये कि हम जनरली हम समझते हैं कि एलिमेंट पांच एलिमेंट कैसे है पैंतालीस देवता कैसे हैं इन सब चीजों को समझते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेस इट्स दैट्स नॉट डिफरिंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट एट द सेम टाइम हर व्यक्ति का जीवन में चार्ट उसका अपना है उसे कर्मों से उसको अपनी चीजें मिली अपना डिजाइन मिला है एंड वायर कंसिडरिंग दर उस व्यक्ति का अपना ही डिजाइन आया है तो उसका वास्तु के, वास्तु के साथ भी कनेक्टिविटी अपनी होनी चाहिए एंड फॉर देट मैटर अष्टक वर्ग वास्तु इज अ ब्यूटिफुल वास्तु <coughs> जब हम अष्टक वर्ग से वास्तु को क्रिएट करते हैं हम इसमें बारह राशियों को लेते हैं यूजली बारह राशि के अपने तत्व होते हैं बारह राशियों के अपने तत्व होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके तत्व क्या कहते हैं राशियों के ये इंपॉर्टेंट है कि बारह राशि के अपने अपने समूह होते हैं बारह राशि के जब अपने अपने समूह की बात करते हैं हम तो बारह राशि के समूह के अंदर जब सेट ऑफ फोर लेते हैं सेट ऑफ थ्री राशि लेते हैं सेट ऑफ थ्री राशि मतलब वन वन फाइव नाइन ट्राइन बनाते हैं हम तो वन राशि का मतलब मेष फाइव राशि का मतलब सिंह और नाइन राशि का मतलब धनु। राशि। राशि, अग्नि किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन को लिख के चैट में डाल सकता है, we'll है? जिसको भी समझ में नहीं आया वो डाल सकता है अग्नि तत्व की राशि हुई नौ 159 फाइव नाइन की राशि है साथ साथ उसके साथ और भी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंटली जुड़ती है अग्नि तत्व के साथ साथ वो राशि ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करती है डेट राशि रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट जोन नौ इस राशि की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है एनर्जी पित्त प्रवृत्ति की राशि है सेट बन जाता है आज हम एक ही को लेंगे इसी को लेके बात करेंगे हम पित्त प्रवृत्ति किसकी बन जाता है अभी जैसे हमने बात किया कि बारह राशियों को अगर हम डिवाइड कर दे चार समूह में तो हर समूह को तीन राशियां मिलेंगी तीन राशि मिलती है तीन त्रिकोण से पहला त्रिकोण होता है एक पांच नौ का त्रिकोण उसमें एक पांच नौ नंबर की राशियां आती है महेश पांच में सिंह नौ में धनु फिर दूसरा त्रिकोण बनाएंगे तो बनेगा दो छे दस का ठीक है दो छे दस के मतलब दो छे दस नंबर की राशि क्या बोलेंगे वृषभ कन्या और दस मकर ये आ गई दो छे दस अब हम दो छे दस की बात करेंगे तो दो छे दस जो है पृथ्वी तत्व की राशियां बन जाती हैं जब दो छे दस पृथ्वी तत्व की राशियां बन गई तो इनका जो डायरेक्शनल इफेक्ट आ गया वो साउथ की तरफ आ गया ये साउथ में आ गई और दो छे दस की तरफ एक मिनट बड़ा पिन यस कीप ऑफ दो छे दस की तरफ अगर आ गया इफेक्ट तो दो छे दस का जो प्राकृतिक इफेक्ट है वो इफेक्ट जो है उसका वायु इफेक्ट आ जाता है जैसे दो सर। इफेक्ट आएगा वायु तो तीन सात ग्यारह का आएगा तीन सात ग्यारह में मिश्रित आएगा सर मुझे कर लेने दो छे दस में यहां पे हम वायु लेंगे ओके तीन सात ग्यारह की बात आएगी तो मिश्रित आएगा और चार आठ बारह की बात आएगी तो वो कफ आएगा ठीक है राशियों के इफेक्ट के ऊपर हम ये करेंगे राइट सो so, दो छे दस पे हम जब बात करेंगे तो दो छह दस के जब टाइम आएंगे तो अर्थ टाइम बनेगा पृथ्वी तत्व का बनेगा दो छह दस वृषभ कन्या एंड मकर तीन सात ग्यारह की बात करते हैं तो तीन सात ग्यारह का एक टाइम बनता है तीन सात ग्यारह मतलब तीन मतलब मिथुन सात मतलब तुला मतलब अक्यूरस राइट right? या कुंभ जब हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ हुई है हमारे कुंभ राशि हमारा जो तत्व बनेगा ये मिश्रित तत्व बनता है इसका मिश्रित प्रवृत्ति बनती है जिसके अंदर तीनों प्रवृत्ति आ जाती हैं इसके अंदर वायु भी आ जाता है इसमें जल भी आ जाता है और इसके अंदर अग्नि तत्व भी आ जाता है तीनों तत्व आ जाते हैं और ये तत्व की राशि बनती है ये हमारी तीन सात ग्यारह की राशियां हमारे वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करती है वैसे उनकी राशि बन जाती है अब हमारी बनती है चार आठ बारह चार आठ बारह जब बनता है हमारा चार आठ बारह मतलब चार मकर आठ मतलब विक्षिक बारह मतलब मीन चार आठ बारह ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और यह बनता है कफ ये कफ प्रवृत्ति की राशियां बनती है नौ ये इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इन राशियों के तत्वों की तो राशियों के तत्व के अंदर चार आठ बारह ब्राह्मणीय वर्ग में आ जाता है थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आ रही है स्टार्टिंग में बट इसकी हम डिटेलिंग भी करेंगे आगे अगर जिनको नहीं भी समझ तो आ रही तो चार आठ बारह ब्राह्मणी तत्व में आता है एक आ, पांच नौ क्षत्रिय तत्व के अंदर आता है और तीन सात ग्यारह जो है शुद्र तत्व में आ जाता है और दो आठ दो दस जो है वैश्य तत्व में आ जाता है तत्व में जब आता है तो तत्व की डिस्क्रिप्शन हम करेंगे नॉट द पॉइंट इज दट इसको हम अष्ट वर्ग से कैसे रिलेट करेंगे अष्टक वर्ग की जो कहानी है उसके अंदर आप बारह राशियों के जब आपने तत्व निकाल लिए मतलब बारह राशियों के आपको तत्व पता चल गया बारह राशि का आपने अष्टक वर्ग में पता चल गया अष्टक वर्ग में बना बनाया दे देती है एस्ट्रोलॉजी नौ इसको हम डायरेक्शन में रिलेट करेंगे हमने चार डायरेक्शन से बात करी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक पांच नौ ईस्ट दो छ दस साउथ तीन सात ग्यारह वेस्ट चार आठ बारह नॉर्थ डायरेक्शंस आठ डायरेक्शंस को हम अष्टम वर्ग में हम लेके चलेंगे चार मेन और चार डिविजनल डायरेक्शन चार मेन आपने देख ली चार डिविजनल डायरेक्शन जो कॉर्नर्स के आएंगी नॉर्थ ईस्ट साउथ सौथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट चार डिविजनल डायरेक्शन लेके चलेंगे हर राशि को यहां पे हम प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे हर डायरेक्शन को यहां पे प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे हर राशि को यहां पे प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे राशि को प्लान से कैसे कनेक्ट करेंगे तो आपको हर राशि के प्लान आपको ऑलरेडी पता ही है नहीं भी पता तो हम इसको कवर कर लेंगे आगे जाके बट डायरेक्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम अभी देख लेते हैं ईस्ट को हम सूर्य से लेट करेंगे जब हम सूर्य से ईस्ट को लेट करेंगे तो हम यहाँ पे सूर्य देवता के रिलेटेड एक्टिविटीज को हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को हम सूर्य देवता से लेट करके ईस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा मेडिटेशन को प्रेयर को ओपन स्पेस को लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करेगा सोशल एक्टिविटीज को इंट्रेक्शन को इन सब चीजों को ये एक्टिविटी रिलेट करेगी यहाँ पे अगर पित्र को भी हम देखते हैं तो सूर्य क्योंकि पित्र को भी हम देखते हैं तो एंड को भी हम देखते हैं यहां से लेट करेगी अब बात आती है ईस्ट को जो हम लेट कर रहे हैं और इन सब चीजों को हम बात करते हैं तो उसको हम अष्टक वर्ग में कैसे सिलेट करेंगे